नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ आस्था चौहान और आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। 40,000 रूपए वेतन लेने वाले प्रधानाध्यापक ने रखी किराए की शिक्षिका, मामला नसरुल्लागंज के रहटी तहसील के दिलावड़ी ग्राम का। अजीत जोगी ने रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पत्रकारों से की चर्चा, कहा जनता कांग्रेस दल और बसपा का गठबंधन ऐतिहासिक। इंदौर में शुक्रवार रात 8:30 बजे से जारी लगातार भारी बारिश ने कई पांडालों को किया क्षतिग्रस्त। मुख्यमंत्री की विधानसभा के रहटी तहसील के दिलावड़ी ग्राम, जो सीहोर जिले की सीमा का आखिरी ग्राम है, जहां प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय एक साथ लगते हैं, जिसके प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक सैयद सोहराब अली का एक अलग ही तरह का खेल सामने आया है। 40,000 रूपए वेतन लेने वाले इस प्रधानाध्यापक ने अपने स्थान पर ग्राम की एक लड़की को बतौर टीचर के रूप में रखा हुआ है, जिसे सोहराब अली 5,000 रूपए प्रति माह भी देता है और ये खेल विगत 2 वर्षों से चला रहा है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। जब मौके पर न्यूज 29 इंडिया की टीम पहुंची तो अव्यवस्था का मंजर यही समाप्त नहीं हुआ। यहाँ ना तो इस स्कूल में बैठने की व्यवस्था है और ना ही पंखों की व्यवस्था, बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं। मौजूद दोनों शाला में 19 बच्चे हैं और इनके लिए 4 टीचर को पदस्थ किया गया है, जिनमें से सिर्फ 2 ही मौजूद थे। जब इस बारे में माध्यमिक की हेडमास्टर रेखा पांडे से पूछा गया तो उनका कहना है कि अली को दिव्यांग को रखने के आदेश वरिष्ठों से मिले हैं। फिर क्या, सैयद सोहराब अली ने तो स्कूल आना ही छोड़ दिया और नहीं आने पर भी उनकी हाजिरी भी लगा दी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि संकुल या जिला शिक्षा अधिकारी की यह नियमित जांच होती है, फिर भी 2 सालों से ये मेहरबानी क्यों? श्री सैयद सोहराब अली कब से पढ़ा रही हैं? सहायक के तौर से बोल रहे हैं। 2 साल से पढ़ा रही हैं। कितनी मिल रही है आपको सैलरी, कितनी दे रहे हैं? मैं सर 5,000। आप कहाँ तक पढ़ी हैं? मैंने अभी फाइनल किया है, पीजी से किया है। मैडम जी बताइए, आप ये सैयद सोहराब अली टीचर हैं, इनकी जगह पे ज्योति पढ़ा रही हैं, तो ये किस नियम से पढ़ा रही हैं यहाँ पर? सर विकलांग है तो उनके मदद के लिए प्रिंसिपल सर ने कहा था हमें कि मैडम मदद के लिए आप रख लीजिए उनको। किस प्रिंसिपल ने कहा था ये पहले? कौन से रघुवंशी सर थे प्रिंसिपल, अभी तो चले गए। तो ये कितने साल से पढ़ा रही हैं यहाँ पर उनकी जगह पर? 2 ही साल। वो आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं, रोज आते हैं और रहते भी हैं, बैठते भी हैं। पर आज तो नहीं है ना? हाँ सर, अब कुछ शायद तबीयत खराब है सर। जनता कांग्रेस दल के नेता अजीत जोगी ने रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जनता कांग्रेस दल और बसपा का गठबंधन ऐतिहासिक है। ये गठबंधन 2 समान विचारधाराओं का गठबंधन है, जो गरीब और उनके हितों को सामने रखकर दिया गया है, जिसमें 35 सीटों पर बसपा तथा 55 सीटों पर जनता कांग्रेस दल चुनाव लड़ेगी। आइए आपको दिखाते हैं अजीत जोगी ने पत्रकारों से गठबंधन को लेकर क्या कहा। यह एक ऐतिहासिक गठबंधन है, यह एक 2 समान विचारधाराओं वाली पार्टियों के बीच का गठबंधन है और ये गठबंधन हमने विशेषकर छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों के को सामने रखकर किया है, उनके हित को सामने रखकर किया है। और इससे हमारे कार्यकर्ताओं में जोश का संचार है, जोश का संचार हुआ है। और मैं अपने उन कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ जहाँ हम टिकट नहीं दे पाएंगे कि उन्हें त्याग करना पड़ रहा है, पर जब हम सत्ता में आएंगे तो उस त्याग का रिवार्ड उनको जरूर मिलेगा। अब कैसे होगा, आप लोग टिकट बांट चुके हैं लेकिन उसके बाद अब गठबंधन में कुछ सीटें छोड़नी पड़ेंगी? ज़्यादा नहीं है, 1-2 सीटों पर विवाद होगा, बाकी सब ठीक है। ये 45 सीटें आप बांट चुके हैं, अब कौन सी 10 सीटें हैं जो आपके पास आएंगे, तो तय हुआ है? अभी तय नहीं हुआ है, कल बैठ के तय करेंगे। और सर एक ये भी है कि आपकी और मायावती जी की संयुक्त सभा भी होगी? जरूर होगी, उसी से तो संदेश जाएगा
कि हम और माननीय मायावती बहन साथ आ गए हैं और साथ लड़ रहे हैं। कहाँ पे होगी सभा, कोई ऐसा डिसाइड अभी तय नहीं हुआ है, पर एक दो दिन में तय हो जाएगा। अच्छा, बीजेपी ये कह रही है कि अब बीजेपी की सरकार चौथी बार बनेगी दोनों के गठबंधन से। बीजेपी दीवा सपने देख रही है, मंगेरी लाल के सपने देख रही है, इस गठबंधन के बाद हमारी ही सरकार बनेगी। अब कांग्रेस कह रही है कि ईडी और सीबीआई के दबाव में बीजेपी के दबाव में दोनों का गठबंधन हुआ है। अब कांग्रेस तो खींच में कुछ भी कहेगी, वो गठबंधन करना चाहते थे पर गठबंधन नहीं कर पाए। रात भर फोन आता रहा कि ये गठबंधन ना किया जाए, तो ये तो उनकी थी। रायपुर से प्रकाश जिवनानी की रिपोर्ट। इंदौर में काफी लंबे अंतराल के बाद मौसम मेहरबान हुआ और जमकर आंधी तूफान के बीच बारिश हुई, जो शुक्रवार रात 8:30 बजे से लगातार रात भर जारी रही। इसी बीच आज आंधी तूफान ने शहर के कई पंडालों को नस्त नाबूद कर दिया। शुक्रवार रात 8:30 बजे से पूरी रात झमाझम बारिश होती रही। वहीं बारिश तेज होने के कारण गणेश उत्सव में लगे हुए पंडाल रातों रात छिन्न भिन्न हो गए, तो कहीं पर पांडाल क्षतिग्रस्त हुए। वहीं तिलक नगर में भी यही नजारा देखने को मिला, जहां पर भक्तों ने पांडालों में जाकर रात बिताई और बारिश थमने का इंतजार करते नजर आए। गनीमत रही कि पांडालों के क्षतिग्रस्त होने पर किसी भी प्रकार से गणेश जी की मूर्तियां क्षतिग्रस्त नहीं हुई। इंदौर से गुलाब यादव की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।